वेलकम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल की एक और शानदार वीडियो में। दोस्तों तो मेरा नाम बटे शानदार, तो शुरू करते हैं आज की भी बिजनेस ऑफ फंडिंग न्यूज। दोस्तों जो सबसे पहले खबर निकल के आती है दोस्तों ये है कि डॉलर दोस्तों अपने 20 साल के रिकॉर्ड को तोड़ के दोस्तों जो आगे बढ़ता जा रहा है। दोस्तों डॉलर दोस्तों अगर आप करंटली इंडिया में देखोगे तो एक डॉलर की प्राइस 80 रुपये की भी पार हो चुकी है। अपना 20 साल का रिकॉर्ड दोस्तों जो है डॉलर ने तोड़ दिया है, यानी 20 साल की सबसे ज़्यादा हाई पे है। अगर जैपनीज येन की बात करें तो दोस्तों एक डॉलर की बल्दी 138 जैपनीज येन दोस्तों आ रहे हैं। यानी कि दोस्तों जो डॉलर की प्राइस है वो जो एग्रेसिवली बढ़ रही है। ऐसा क्यों हो रहा है दोस्तों? जो फेडरल रिजर्व के चेयरमैन है दोस्तों उन्होंने मंडे को यानी आज दोस्तों अभी कहा है कि जो इंडिकेट किया उन्होंने कि जो इंटरेस्ट रेट्स हैं अमेरिका के अंदर वो अभी भी जो है बढ़ने वाले हैं या फिर और बढ़ सकते हैं या फिर दोस्तों घटेंगे नहीं। इंटरेस्ट रेट दोस्तों अगर वहाँ पे बढ़ते हैं, फेडरल रिजर्व अपने इंटरेस्ट रेट बढ़ाता है दोस्तों, उनके जो है डॉलर की वैल्यू बढ़ती है। दोस्तों अगली न्यूज़ है कि दोस्तों जो टाइटन के शेयर्स हैं पिछले 20 साल में दोस्तों 845 बार बढ़े हैं। दोस्तों अगर आप 20 साल की पहले का डेटा देखोगे टाइटन शेयर्स का तो 3 रुपये में दोस्तों और आज उसकी जो प्राइस है वो 2500 रुपये से भी पार हो चुकी है। तो दोस्तों टाइटन के शेयर्स ने जो अपनी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स उनको काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट निकल के दिया है। दोस्तों पिछले 20 साल में इसमें एक बार 1:1 का दोस्तों कंपनी ने बोनस शेयर भी दिए थे और इसी समय दोस्तों 20 साल में 10:1 में जो है स्टॉक स्प्लिट भी एक बार किया गया था। दोस्तों अगर आपने टाइटन के शेयर्स में इन्वेस्ट किया था वो कितने रुपये में किया है और अभी आप कितने रुपये में प्रॉफिट में टाइटन के शेयर्स में आप जरूर एक बार बता सकते हो हमें। दोस्तों अगली खबर निकल के आती है अकासा एयर की तरफ से। दोस्तों उन्होंने जो रिसेंटली अपनी एयरलाइन को लॉन्च किया है लेकिन दोस्तों अभी उनकी जो एयरलाइन में डेटा ब्रीच हुआ है दोस्तों, यानी डेटा लीक हुआ है। कंपनी दोस्तों कहा है कि कोई भी पर्पसफुल हैकिंग नहीं हुई है लेकिन दोस्तों किसी अनऑथराइज पर्सन ने जो है उनके कस्टमर के जो डेटा है उसको जो है चुराया है, उसको दोस्तों पूरा रीड किया है, यानी दोस्तों कस्टमर डेटा लीक हुआ है। ये दोस्तों कंपनी ने भी कहा है लेकिन कंपनी ने ये भी कहा है कि जो है टेक्निकल फॉल्ट दोस्तों हमको जो है रिपोर्ट किया गया था और फिर दोस्तों कंपनी ने जो अनऑथराइज एक्सेस को जो है ब्लॉक कर दिया है। यानी दोस्तों अकासा एयर में भी दोस्तों अभी से जो है ये प्रॉब्लम आने लग गई है। इससे दोस्तों कंपनी की जो रेपुटेशन है उसको दोस्तों फर्क पड़ेगा। अभी एक महीने भी नहीं हुआ दोस्तों उनकी पहली फ्लाइट लॉन्च हुई है 7 अगस्त को दोस्तों हुई है। क्या आपने दोस्तों आकाश यार से ट्रैवल किया है दोस्तों? आप जरूर बता सकते हैं। दोस्तों अगली बड़ी खबर निकल के आती है वोडाफोन आईडिया की तरफ से। दोस्तों कुछ दिन पहले दोस्तों ये खबर आई थी कि जो है वोडाफोन आईडिया में दोस्तों उनके जो 2 करोड़ लोगों का जो डेटा है दोस्तों वो लीक हो चुका है। कॉल लॉग्स के जो डेटा वो लीक हो चुका है, इसमें दोस्तों कॉल टाइम, कॉल ड्यूरेशन, कहाँ से कॉल आ रही है वो सब दोस्तों लीक हो चुका है पब्लिक में। लेकिन दोस्तों वोडाफोन आईडिया ने कहा है कि ऐसा कोई भी दोस्तों डेटा जो लीक है वो हमारी कंपनी के अंदर नहीं हुआ है। ये दोस्तों जो है रूमर्स वगैरह हैं और दोस्तों अगर कुछ हुआ भी होगा तो उसको जो है रेक्टिफाई कर रहे हैं, इसको खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब बहुत बड़ी प्रॉब्लम दोस्तों हो रही है आकाश एयर में। दोस्तों डेटा लीक की प्रॉब्लम चल रही है दोस्तों पूरे वर्ल्ड में दोस्तों जो है बहुत बड़ी बड़ी जो है साइबर सिक्योरिटी जो है प्रॉब्लम चल रही है। तो दोस्तों अगली खबर निकल के आती है जेपी मॉर्गन इंडिया की तरफ से। दोस्तों उन्होंने जो अभी मुंबई में नैनसर नॉलेज पार्क में दोस्तों 1.16 मिलियन स्क्वायर फीट का एक जगह को रेंट पर लिया है दोस्तों, जिसका जो सालाना रेंट दोस्तों जो वो पे करेंगे दोस्तों लगभग 250 करोड़ के आसपास होगा अगले 10 साल में। दोस्तों उन्होंने जो इसको लीज पे लिया 10 साल के लिए और 10 साल दोस्तों 24 करोड़ का जो है वो रेंट पे करने वाले हैं। एक स्क्वायर फीट के लिए जो है वो 145 रुपये का पे करेंगे हर महीने दोस्तों रेंट पर। तो जो कि दोस्तों मतलब बहुत बड़ा स्पेस जो है उन्होंने लीज पर लिया है। क्या दोस्तों आपने इससे पहले कभी इतना बड़ा जो स्पेस को देखा है किसी कंपनी लीज पर लेते हुए? अभी रिसेंटली दोस्तों येस बैंक ने 44 स्क्वायर फीट का दोस्तों जो है रेंट पर लिया मुंबई में। दोस्तों कंपनी इतने बड़े बड़े जो है स्पेसेस को रेंट पर लेती है दोस्तों, बहुत ज़्यादा जो है इसमें पैसा व्यर्थ होता है। दोस्तों अगली खबर निकल के आती है दोस्तों बायजूस की तरफ से। दोस्तों अबू धाबी की सोवरेन वेल्थ फंड जो दोस्तों उनकी पेरेंट कंपनी बायजूस की थिंक एंड लर्न प्राइवेट लिमिटेड में 400 से 500 मिलियन डॉलर जो इन्वेस्ट करने वाली है। और दोस्तों QIA यानी कि कतार इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी भी दोस्तों एक कंपनी है दोस्तों वहाँ की, वो भी दोस्तों जो है 250 से 300 मिलियन डॉलर जो है बायजूस में इन्वेस्ट करने वाली है। दोस्तों कतार इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी जो है 40 से 50% डिस्काउंट में जो इनके इन्वेस्ट कर रही है 22 बिलियन डॉलर के वैल्यूएशन पे। और दोस्तों जो पिछले राउंड किया था उससे 40 से 50% जो है डिस्काउंट पे कर रही है। यानी कि दोस्तों सच में दोस्तों स्टार्टअप की जो दोस्तों कल्चर है उसके अंदर जो है विंटर आ चुका है। यानी कि अब दोस्तों जो है कंपनी पहले हाई वैल्यूएशन पे दोस्तों जो है फंड रेजिंग कर रही थी, अब दोस्तों उनको डिस्काउंट पे जो है फंड रेजिंग करनी पड़ रही है। तो दोस्तों आज की भी बिजनेस ऑफ फाइनेंस न्यूज़ यहीं पे खत्म होती है। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी। तो दोस्तों प्लीज़ इस वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए ऐसी डेली फाइनेंस और बिजनेस की न्यूज़ के लिए।